हेलो कैसे हैं फ्रेंड्स, कैसी लग रही जगह और ये छोटे छोटे से बर्ड्स। एक्चुअली हम लोग हैं ये अड़ेगांव सफारी गेट जो है टाइगर रिजर्व नागपुर में हिंगना साइड, उधर से करीब 20-25 किलोमीटर दूर ये अड़ेगांव गेट है। और यहाँ पे ये है एग्रोविल फार्म टूरिज्म। एक्चुअली यहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने यहाँ पे वो खजूर का फार्मिंग करते हैं, उन्होंने ये पेड़ लगाए हुए हैं खजूर के। और एक्चुअली ये इसका डायरेक्ट यहाँ से सेल भी करते हैं और काफ़ी अच्छी यहाँ पे इनके यहाँ इसका प्रोडक्शन हो रहा है। बेसिकली नागपुर एक गर्म सिटी है, लाइक बाकी सिटी से टेम्परेचर कंपेरेटिवली हाई है, इस वजह से भी इनके यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी हो रही है फार्मिंग। और साथ में इन्होंने जोड़ा है ये सारा कंसेप्ट, लाइक यहाँ पे रेस्टोरेंट है इनका और ये सब इन्होंने छोटे छोटे से हट्स बनाए हुए हैं सुंदर से एकदम, सो दैट एक छोटा मोटा कोई भी सेलिब्रेशंस यहाँ पे हो सकता है। और एक्चुअली हम लोग आज इसीलिए यहाँ पे आए हैं, घर में फैमिली में एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, सो उसके लिए हम ये प्लेस देखने आए हैं आज। और लाइक मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये जगह, क्योंकि बिल्कुल नेचर का फील आ रहा है और ये इतने सारे लदे हुए खजूर क्या मस्त लग रहे हैं। बहुत इसको भले बहुत मेहनत नहीं लगती पर हाँ केयर तो करना पड़ता है। इट्स लाइक ये इनको इन्होंने नेट से बंद क्लोज करके रखा है क्योंकि बर्ड्स बहुत सारे फ्रूट्स ख़राब करते हैं। और बाकी ये दिख रही हैं यहाँ पे जो हमें गाइड कर रही हैं कहाँ कहाँ घूमना है बेसिकली। तो ये यहाँ पे जो डेट फार्मिंग है वो वर्ल्ड्स में वैसे काफ़ी जगहों पे होती है, बेसिकली मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में ज़्यादा की जाती है। और मोस्टली इसका ये है कि बहुत अच्छा सनलाइट हो, जहाँ पे ड्राई वेदर हो वहाँ पे ये फार्मिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और इनका हार्श कंडीशन कैसा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हवा और ऐसा सब में भी ये बहुत ही अच्छे से क्रॉप सूखती है। सो बहुत ही बढ़िया वाला यहाँ पे काम चल रहा है। इनके पास में और भी दूसरी खेती भी है। एक्चुअली ये लो जब सीज़न होता है तो यू कैन गेट फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आल्सो यहाँ पे डायरेक्ट, उनको हम पिक कर सकते हैं और खा सकते हैं या आप परचेज करके लेके जा सकते हैं। एंड ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है इन्होंने। और अगर नाइट एडवेंचर करना हो तो यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे टेंट हाउसेस बना रखे हैं, लाइक वहाँ पे रात को स्टे किया जा सकता है। और यहाँ क्योंकि जस्ट 20-25 किलोमीटर ही यहाँ से पास में वो जंगल है अड़ेगांव गेट का, तो रात में जनरली वाइल्ड एनिमल्स भी यहाँ पे घूमते हुए दिख जाते हैं, लाइक नील गाय है और दूसरे हैं वाइल्ड बोर्स वगैरह हैं, तो वो आराम से देखे जाते हैं यहाँ पे रात को। देखिए मैंने तो बताइए अग्रोवेल नाम है यहाँ का और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है इनका, अच्छा लगा। लाइक एक अलग तरीके का फार्मिंग और साथ में फिर आप एंजॉय कर सकते हैं, रात को रुक सकते हैं और खाने पीने की पूरी अच्छी सुविधा है। इनका पूरा फुल फ्लैज रेस्टोरेंट है जहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। और इनके यहाँ जो भी फार्मिंग होती है उसका सेलिंग के लिए भी यहाँ पे रखा रहता है, तो फ्रेश चीज़ें यहाँ से बाय करके भी ले जाई जा सकती हैं। तो बेसिकली आज यहाँ आई थी मैं देखने के लिए वही कि कैसे यहाँ पे हमें करना है तैयारी। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सब कुछ। सो इफ़ यू विजिट द नागपुर यहाँ आइए बिल्कुल। So bye-bye and welcome back.